आजकल दो तरह की खबरें आ रही हैं। इंडी गठबंधन टूट रहा है, एनडीए का बंधन और मजबूत हो रहा है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। जब इंडी गठबंधन बना था तो मोदी के खिलाफ 500 सीटों पर लड़ने का दावा हुआ था। नॉर्थ से साउथ तक एंटी मोदी मोर्चा तैयार किया गया, लेकिन जैसे चुनावी काउंटडाउन शुरू हुआ, एक एक करके राहुल गांधी से दूरी बनानी शुरू हो गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां पहुंच रही है, वहीं से इंडी गठबंधन के लिए बैड न्यूज आ रही है। तो क्या चुनाव से पहले इंडी गठबंधन हिस्ट्री बन जाएगा? पोस्टर में राहुल गांधी क्यों अकेले पड़ेंगे? क्या बंगाल, पंजाब, यूपी सब जगह कांग्रेस की हार पक्की हो गई है? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या मोदी की रामलहर में बिखर जाएगा इंडी अलायंस? ममता नीतीश के जाने के बाद कितनी सीटों पर बचा इंडी अलायंस? क्या 24 के चुनाव से पहले इंडी में सिर्फ राहुल ही बचेंगे? मोदी विरोधी इंडी गठबंधन जहां हर रोज बिखर रहा है, वहीं देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी अभी भी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने में जुटी है। वहीं पुराने सहयोगियों को वापस एनडीए से जोड़ रही है। फर्क साफ है, बीजेपी 2019 से भी आगे जाने की रणनीति पर काम कर रही है और 30 दलों वाले एनडीए को 50 दलों वाला बना रही है। यूपी में जयंत चौधरी की रालौद एनडीए में आने को तैयार है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी फिर से एनडीए में आ रही है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी एनडीए से जुड़ रही है। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल फिर से एनडीए में वापसी को तैयार है। यानी 24 के चुनाव में बीजेपी रामलहर के बावजूद 1% भी चांस नहीं लेना चाहती। मोदी को पता है कि 370 सीटों के लिए क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। नए समीकरणों का उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जमीनी हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं, बिना किसी नेशनल नैरेटिव के सिर्फ एक शख्स के पीआर कैंपेन में बिजी है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। भले ही राहुल की न्याय यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, सहयोगी पीछे छूट रहे हैं। वहीं यूपीए में एक साथ ही साथ छोड़ने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी को रोकने का एकमात्र तरीका मजबूत गठबंधन ही है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इंडी में शामिल दो सबसे अहम पार्टियां उससे अलग हो गई। पहला झटका टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिया। 25 जनवरी को राहुल की न्याय यात्रा बंगाल में पहुंचनी थी। 24 जनवरी को ही ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरा झटका इंडी गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार ने दिया। 29 जनवरी को राहुल की यात्रा बिहार पहुंचने वाली थी। 28 जनवरी को नीतीश इंडी छोड़ एनडीए के सीएम पद की शपथ ले ली। अब यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी इंडी अलायंस का साथ छोड़ने वाले हैं। राहुल की न्याय यात्रा यूपी में 14 फरवरी को पहुंचेगी। माना जा रहा है कि इसी दिन जयंत एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एक एक कर इंडी सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ ब्लैक पेपर खेलने में व्यस्त हैं। मोदी ने इसे भी 24 के लिए आशीर्वाद बता दिया। कोई फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं, तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है
उसको नजर रख जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिसते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब एक काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं दूसरी ओर मोदी और राम लहर में इंडिया अलायंस बिखर रहा है। बजट में भेदभाव को लेकर केंद्र के खिलाफ दक्षिणी राज्यों के सीएम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इंडी अलायंस बटा हुआ नजर आया। बुधवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया अपनी पूरी कैबिनेट के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब विपक्ष के दूसरे नेता नहीं पहुंचे। लेकिन आज केरल के सीएम पिनराई विजयन के पहुंचने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनका साथ देने पहुंचे। पिनराई विजयन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का भी समर्थन मिला है। ममता साथ छोड़ चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अभी भी गुंजाइश की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बातचीत के रास्ते खुले हैं, यानी खुद कोई कोशिश नहीं करनी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में, जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर शून्य तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी है। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तृणमूल के साथ लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में तृणमूल शामिल है। हमारे ओर से बातचीत खत्म नहीं हुआ है, हमारे ओर से औपचारिक तौर से हम ये मानते हैं कि बातचीत के दरवाजे आज भी खुले हैं। एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन होना जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि इंडी में 27 पार्टियां हैं, लेकिन जिस रफ्तार से इंडी से पार्टियां नाता तोड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आते आते इंडी में सिर्फ राहुल गांधी ही बचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद अब तो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के भी बीजेपी के साथ जाने की चर्चा शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो रालोद के साथ सीट शेयरिंग भी कर ली थी, यूपी की एससी में से 7 सीटें भी रालोद को दे दी थी। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कम्युनिकेशन लाइन कट गई है। यही वजह है कि अखिलेश और डिंपल दोनों उन्हें पुरानी घटनाओं का हवाला देकर भावुक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से संदेश दे रहे हैं कि जयंत साथ नहीं छोड़ेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा, तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। दरअसल ऐसी बातें तब कही जाती हैं जब आंतरिक संवाद खत्म हो जाता है। जयंत को पता है कि अखिलेश चाहे 7 दे दे या 17 दे दे, वो सिर्फ सीट होगी, जीत की गारंटी नहीं। लेकिन बीजेपी 4 सीट के रूप में एडवांस में 4 सांसद दे रही है, यानी इंडी से एक और विकेट का गिरना तय हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस के पास कितने राज्यों में गठबंधन बचा है। इंडिया अलायंस अब कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है, इन सीटों पर इंडी के जीतने की कितनी संभावना है,
दरअसल मोदी विरोधी इंडिया अलायंस से बंगाल में ममता हट चुकी हैं, बिहार में नीतीश अलग हो चुके हैं, पंजाब में आप भी अलग होने के संकेत दे रही है, यूपी में जयंत की रालौद भी एनडीए में जा रही है, यानी अब कितनी सीटों पर एनडीए बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रही है। देश में कुल 543 लोकसभा सीट है, 4 राज्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 142 सीटों पर इंडी गठबंधन हो रहा है। वहीं 2 राज्यों पंजाब और केरल की 33 सीटों पर इंडी अलायंस होना डाउटफुल है, जबकि 3 राज्यों तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में इंडी अलायंस पॉसिबल ही नहीं है। 7 राज्यों दिल्ली, असम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, यूपी और बिहार की 158 सीटों पर इंडी अलायंस होने की संभावना अभी भी बची हुई है। वहीं 8 राज्यों की 132 सीट पर इंडी अलायंस की जरूरत ही नहीं है, यानी जिस तरह से कांग्रेस का गठबंधन को लेकर ढुलमुल रवैया है उससे तो सिर्फ 150 सीटों पर इंडी अलायंस एक साथ आता दिख रहा है, यानी 153 सीटों पर इंडी अलायंस होने की संभावना है। वहीं 134 पर संभावना ही नहीं दिख रही है, जबकि 88 पर इंडी अलायंस इररिलेटिव है। वहीं 168 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन हो सकता है।